हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकीम। आज मैं आपको एयरटेल में फ्री इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आप बस आपके फ़ोन में जीरो बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना बैलेंस जो कि शून्य है, देख सकते हैं मेरा बैलेंस अभी ज़ीरो है और मेरे पास कोई नेट का पैक भी नहीं है। इट्स 0-0। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। मैं अपना वाईफाई बंद कर देता हूँ। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है हैमर VPN। ये आप अपने प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने गूगल से या फिर गूगल APK से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस हैमर APK पे क्लिक करना है और फिर आपको जाना है यहाँ पर, आपकी प्रॉक्सी डालनी है 443, देन यहाँ पर चेंज करना है 33019 एंड देन इसको चेक करना है TCP पर। यहाँ पर आप करेंगे रिमेंबर मी, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे यूज़ प्रोक्सी फॉर TCP कनेक्शन और प्रोक्सी होस्ट में डालेंगे 158.69.237.1, उसके बाद प्रोक्सी पोर्ट में डालेंगे 3128, उसके बाद हेडर में डालेंगे host:get.wink.in और इसको सेव कर देंगे। बस अब आप अपने फ़ोन से नेट ऑन करेंगे एयरटेल की सिम में विद ज़ीरो बैलेंस। और अभी मेक श्योर करके रखना है आपको कि आपका जो नेटवर्क है वो 4G ना हो, सिर्फ 3G इनेबल हो, तभी वो नेट एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज वो नेट एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे सेट कर रखा है, मैंने इसको WCDMA में GSM सेलेक्ट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली अगर 3G है तो 3G में कनेक्ट हो जाए और अगर 2G में है तो 2G में कनेक्ट हो जाए, बट 4G ना हो, क्योंकि मैं 4G में कनेक्ट करूँगा तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो मैंने इसको ऑन कर दिया है, उसके बाद मैं नेट ऑन करता हूँ। जैसे मैंने नेट ऑन किया यहाँ पर मेरा H का सिंबल आ जाएगा, आप देख सकते हैं H का सिंबल आ गया है। उसके बाद मुझे सिर्फ ये ऐप ओपन करने पर रीओपन करके दिखाया था, दोबारा से ओपन करते हैं। इट टेक टाइम और इसको आपको फ्री सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कोई भी फ्री सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं एज यू वांट। मैं इसको उस पर क्लिक कर देता हूँ और नेट ऑन है मेरा, बस मेरे को उस पर कनेक्ट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं आप अभी कनेक्टिंग कर रहा है, ऊपर भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार में वेटिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग, नीचे लिखा हुआ सक्सेस। उसके बाद अभी आपको वेट ही करना है टिल दैट टाइम यहाँ पर टाइमर ना चल जाए। अब आप देख सकते हैं फिनिशिंग सेटअप आ गया है और सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, अब कनेक्टेड भी दिखा रहा है और ये कनेक्टेड हो गया है, यहाँ पर एक टाइमर चालू हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ये वर्किंग कर रहा है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करके नेट एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ, मैं आपको गूगल दिखा देता हूँ एक्सेस करके। देखिए मैं इसमें गूगल खोलता हूँ, ये देख सकते हैं आप नेट एक्सेस चल रहा है इसमें। ये देखिए मैं इसमें याहू भी कर देता हूँ, स्पीड भी बहुत अच्छी आती है नॉर्मली, आप देख सकते हैं ऊपर मेरे स्पीड दिखा रहा है 129 KBPS, इट मीन्स ये फिर 1.something APS स्पीड आ रही है जो 3G है, बट 3G नहीं है एक्चुअली में, 3G से बेटर नहीं है, 3G से कम है और 2G से बकवास नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं, यह ऐड थोड़ी थोड़ी आती बीच में बट समटाइम्स ही आती, ज़्यादा नहीं आती है। इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना है फिर से और फिर से जहाँ पर आप वर्क कर रहे थे वहाँ पर पहुँच जाना है। देख सकते हैं मेरा यूट्यूब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैं आपको कोई वीडियो चला के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, नेट भी एक्सेस हो रहा है इसमें। जैसा कि मैं वीडियो प्ले करके दिखाया था आपको, ये वीडियो में हमारी है, इसमें हमने लेनोवो के बारे में अपडेट बताया है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो प्ले होगी वो भी 720 में। थोड़ा ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जैसे नेटवर्क अभी हमारा आ रहा जा रहा है तो उससे थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गई है, जैसे ये वर्क करता रहेगा। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। बस अब आपको क्या करना है, अगर इसको बंद करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर अपने नोटिफिकेशन बार में चाबी बनी हुई आ जाएगी, इसका मतलब ये कनेक्टेड है, आपको क्लिक करना है और इसको डिसकनेक्ट कर देना है। बस नाउ इट्स डिसकनेक्टेड और इसको आप बंद कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये ऐप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ऐप बॉक्स का लिंक दें, जैसे ही मैं मेरे को लिंक मिलेगा मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा।